हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास रोबलॉक्स में ये एरर आ रहा है 260, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आई प्रेस कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है इंटरनेट कनेक्शन, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको रन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके दोस्तों, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, आपको इसको क्लोज कर देना है। फिर आपको जो है विंडोज 11 के सर्च बार में टाइप करना है कमेंट प्रॉम्प्ट। उसके बाद आपको राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है। फिर आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से कमेंड टाइप करना है, उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है। फिर आपको यहाँ पर एक और कमेंड टाइप करना है, उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। फिर आप जो है कमेंड प्रॉम्प्ट को क्लोज कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो है विंडोज 11 के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल, फिर आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं चेंज अडाप्टर सेटिंग, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको वाईफाई नेटवर्क को सेलेक्ट करना है। उसके बाद राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसको सेलेक्ट कर प्रॉपर्टी पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर, आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर प्रीफर्ड DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप कीजिए, अल्टरनेट DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप कीजिए। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करना है और आपको जो यहाँ पर ऑल सेटिंग्स को क्लोज कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आप अपने PC को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।